राम राम भाई सब। ने तो इंडस्ट्री में कुछ इतने गंदे गंदे घटिया लोग हैं भाई, जो उनके पास तो कुछ कंटेंट है नहीं, ना उनके पास कोई नॉलेज। ये एक रूबल, ठीक है, रूबल और यो कपिल, इनने मेरे बारे में बोला कि सब जितने भी स्टूडेंट आते हैं सबको एक तरह का वर्कआउट कराता है। तुम्हें कैसे पता कि मैं सबको एक करवा रहा हूँ? पहली बात तो ठीक है, प्रोग्राम होता है, एक्सरसाइज अलग नहीं होती। अगर कोई डंबल प्रेस एक तरीके से लगाएगा तो उसी तरीके से लगेगी। जब मुझे चेंज करनी होगी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। और ये रूबल ऐसे बोला कि मैं कोचिंग लेने नहीं गया था, मेरे पास कोचिंग लेने खुद आया। पहले कपिल ने इसको कॉन्फ्रेंस पे लिया, फिर मैंने इसने मुझे कहा कि मेरा इकबाल सईद जो है सनी एटक्स भाई के कोच है जो, कि मैं उसके पास कोचिंग लेता हूँ, तो मैं दो कोच हायर करना चाहता हूँ। तो मैं बोला भाई मैं दो कोच वाला बंदा नहीं हूँ, मैं अपना जो मेरी नॉलेज है अपना क्रेडिट मैं शेयर नहीं कर सकता कि कोई और, अगर कि भाई तो मना होगी। उसके बाद ये महीने के बाद खुद आया, इसने मैं बोला कि मेरी उससे बंद हो गई है कोचिंग और मेरी फीस पूछी। मैं बोला भाई आपसे मैं फीस नहीं लूंगा, और फिर कोचिंग स्टार्ट हो गई। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, एक ग्रुप जो मैं केवल अपने पर्सनल क्लाइंट्स का बनाता हूँ, रूबल डिसिप्लिन के नाम से बनाया, जिसमें एथलीट सारी अपडेट्स भेजते हैं, हर मील की फोटो, कार्डियो वगैरह जो भी है, सुबह उठते ही बॉडी वेट, ये सारी चीज़ें भेजते हैं एज ए प्रूफ कि वो फॉलो कर रहे, ताकि वो डिसिप्लिन में रह सके। वो मैंने इसका ग्रुप बनाया, मैं ज़बरदस्ती इसका ग्रुप बना देता। मतलब अगर आप लोगों को ये है कि आप कंपेयर कर लेना मेरी इमेज, मैंने पास्ट में क्या बोला है क्या नहीं, और इस बंदे की इमेज, कौन झूठ बोल सकता है कौन सच, आप खुद आइडिया लगा लोगे। मतलब हद होगी। और वो कपिल वो कह रहा है कि मैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर बुलाया गया, फिर जबरदस्ती मुझे कोचिंग चेप दी गई। मैंने किसी को भी आज तक ये नहीं ऑफर कराया, छोड़ के इंडियन रॉक को। इंडियन रॉक को मैंने एक बार ऑफर करा था बस, कि भाई आजा मैं तुझे स्पॉन्सर करूंगा और कोचिंग भी दूंगा। उस टाइम पे वो नहीं आया था, ठीक है। दूसरी बार जब वो मेरे पास कोचिंग स्टार्ट करी है, उन्होंने खुद से अप्रोच करके खुद कोचिंग स्टार्ट करी, उसमें कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं करी गई। और ठीक है, ये आप उनसे भी कंफर्म कर लेना। ये कह रहा है कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बुलाया गया और फिर मैं जबरदस्ती मेरे कोचिंग, पवन चेची भाई इसको लेके आए थे, हमने ब्रांड एम्बेसडर के लिए 5XL के एम्बेसडर बनाने के लिए बहुत सारे एथलीट से बात करी थी, आपने देखा उस स्टार्टिंग में इतने एथलीट हमने हायर करे थे, उनमें से एक ये भी था, ठीक है। उसके बाद इसने खुद से अप्रोच करी कि कोचिंग भी मुझे आपके अंडर करनी है, फिर मैंने कोचिंग करवाई। ये ऐसी नहीं है भाई हमारे में बुद्धि कि इतने ज़्यादा दिमाग चलाए, इतना ज़्यादा मीन हो गए और जो जोड़ जुगाड़ लगा के गणित लगा के ये चीज़ें करें। इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, कोई इनको नॉलेज नहीं। अब भी जो तुम वीडियो बना रहे थे ना जिसमें वो वर्कआउट कर रहे थे, वो मेरा बताया हुआ वर्कआउट है, मेरी टेक्निक्स है, पूरी इंडस्ट्री फॉलो करने लगी और फ़ोन ये उठा नहीं रहे। मैंने इनको फ़ोन करा, मैं ये ऑनलाइन कंट्रोवर्सी नहीं करूँगा, ठीक है, मैं क्योंकि ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रही इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ना इसने रूबल ने उठाए, ना इसने कपिल ने, और दम होना उठा लो और बताओ मैं हूँ फिर किताना है। गंदगी फैलाने लाग रहे, कंट्रोवर्सी की पैदाइश, कोई इन मैं वो नहीं आदमी है कि के है बेरा ना समझ में नहीं आता इनका। इनकी अगर चीज़ें बताने लग जाऊंगा मैं तो क्या है ये, क्या लोग है यार, किन को फॉलो कर रहे हो, किन को आइडल मानते हो यार ये, और ये हमारे बारे में बोलेंगे, ये कोई भी कुछ भी बोल रहा है बताओ। मैं किसी कंट्रोवर्सी में कभी नहीं पड़ा जब तक मेरे ऊपर किसी ने खुद आंगली ना करी हो। पहले भी ये सेम चीज़ हुई थी, अब दोबारा, ठीक है। इनडायरेक्टली कह रहे हैं मेरा नाम नहीं लिया, अरे मेरा नाम मैंने सब समझ में आओ है ना, मैं लूँगा नाम सीधा, रोटी खावे हम ठाई डालना खाते गु। ये वो लोग है भाई जो मतलब कोच कितनी मेहनत करता है,
किसी के ऊपर, एथलीट के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट करता है, खुद की एनर्जी इतनी लगाता है, उन इमोशंस तक इन्वेस्ट होते हैं किसी एक एथलीट में, ये वो बंदे हैं। इनके लिए कोई कितना ही कर दो, इतने एहसान फरामोश क्रेडिट चोर लोग हैं। इसने रूबल ने फोटो वीडियो तक नहीं डाली गई इससे कि मैं, मेरे पास कोचिंग करने, इतने सीक्रेसी में रहना पसंद करते हैं ये लोग कि हमारा कोई कोच नहीं है, हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं। और कोई इंटरनेशनल अगर नाम हो, बार वालों की चाटने पहुंच जाते हैं, एक सेकंड किसी का नाम आ जाए, किसी को नॉलेज हो या ना हो, ठीक है। मतलब आप लोग ये मानते हो क्या कि भाई इस चीज़ में आप एकदम बिलीव करते कि कोई भी इंडियन कभी भी इतनी नॉलेज ले ही नहीं पाएगा जितनी उनको है? किसी में दिमाग ही नहीं है। दिमाग का जेनेटिक्स तो इंडियन का ऐसा है, आपको पता है, सुंदर पिचाई ही अपने गूगल के सीईओ बने हुए हैं। इंडियंस के दिमाग के बारे में तो ये सोच के ये बोलना कि बाहर वालों को ज़्यादा नॉलेज है, इनको नहीं है। और रही बात जो ये भाईचारा करते हैं ना, ये केवल ऑनलाइन दिखाने के लिए भाईचारा है इनका। आप मत भ्रम में रहा करो भाई कि ये भाईचारे वाले लोग हैं, बिना पैसे के बात नहीं करते हैं ये। कोई अगर किसी कास्ट ने भी अगर किसी बंदे को सपोर्ट करा हो ना, ये जाति विशेष ने, कि ये सोच के कि ये हमारी कास्ट का है, हमारे काम आ जाएगा, इतना सा भी रिगार्ड नहीं रखेंगे आपका, समझ गए। किसी की आज तक इनने फ्री में ऐड कर दी हो या फिर कुछ किसी को फ्री में कुछ कोचिंग या कुछ दी हो, स्पॉन्सर कुछ करा हो, इतना ही अगर तू भाई होता ना तो तू अपनी कास्ट का मैटर छोड़ेगा कि मेरे खिलाफ हो जाएंगे जाट, ठीक है, और तू इधर आ जाता अपने, मतलब भाईचारा असली होता ना, अपनी तेरी यारी होती तो तू एक आधी वीडियो उसके सपोर्ट में बनाता, खड़ा मिलता लास्ट में, या एकदम फिक्सिंग के टाइम पे हाईलाइट लेने तक पहुंच गया। कोई भाईचारा भूलचारा ये केवल और केवल सेंटिमेंट्स ऑनलाइन बोलने के लिए हैं, समझ गए। इतना ही भाईचारा होता तो यो नू बता, इसकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, यो बीच में भी नहीं बोले रूबल, कति बीच तक बीच में नहीं बोलेगा कि मैं अपने जिगरी दोस्त उसके साथ, तो तू कास्ट वास सब कुछ छोड़ के, मेरा कोई अगर जिगरी दोस्त होगा ना, अमित भाई है जैसे एक, ठीक है, जाट है, अगर मेरी कम्युनिटी भी अगेंस्ट होगी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा भाई, ठीक है। असली मर्द वाली बात करो एज ए पर्सन, ठीक है, अपना टैग मत दिखाओ कि कौन है तुम, क्या हो, ठीक, कौन हो कोई मैटर ही नहीं करता, एकदम नकली लोग है भाई ये, कोई इनमें 1% भी वो नहीं है। आप अगर ये सोचते हो कि ये लोग अच्छे लोग हैं, इनकी शुरू से अगर हिस्ट्री चेक करोगे इतने निकलेंगे असली, अगर इनको एज ए पर्सन रियल लाइफ में ऑब्जर्व करोगे नफरत हो जाएगी इन सबसे। ऐसे इसीलिए थोड़ी बोल दिया था मैंने कि कोचिंग छोड़ रहा हूँ, इनसे क्या लोग है यार, ये घटिया एकदम निहायती।